मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं 2017 में पास आउट हूँ। उसके बाद में मैंने 5 साल जॉब की। उसके बाद में अचानक ठाकुर जी का मैसेज हुआ और हम गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। मेरे गांव का नाम है सूरपुरा। सूरपुरा नीम का थाना के पास है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट सूरपुरा। मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ जी। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत, मैं जयपुर राजस्थान से। मैं अभी रामेश्वरम तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ की है 11 दिसंबर 2021 से, और ये यात्रा पूरे भारत की पैदल यात्रा है। हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल हैं, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, अभी मैं तारापीठ जा रहा हूँ। अभी तारापीठ यात्रा के दौरान सबसे पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अब वेस्ट बंगाल। और तारापीठ के दर्शन करने के बाद में बाबा धाम, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी और यात्रा आगे जाएगी। इस यात्रा के दौरान 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो। यात्रा का उद्देश्य यही है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर पे विश्राम है और मैं डेली का 25 से 30 किलोमीटर चलता हूँ, तो तारापीठ पहुँचने में मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे। अभी पैदल ही चलता हूँ, अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे अभी।